नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे किस प्रकार से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 80 प्लस क्वेश्चन सही कर पाए या 85 प्लस क्वेश्चन सही कर पाए। जब भी मैं यहां पर 80 प्लस क्वेश्चन या 80 प्लस नंबर की बात करूं तो यहां पर नंबर से मेरा तात्पर्य क्वेश्चन से ही रहेगा। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो यहां पर वीडियो को देखकर मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं। यानी मैं मानता हूं कि आप अगर सही स्ट्रेटजी से मेहनत करते हैं तो आपको 85 प्लस क्वेश्चन लाना यहां पर या 85 प्लस क्वेश्चन सही करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं केवल आपके वीडियो देखने से ही नंबर आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है। यानी जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, जो वास्तव में प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, केवल वे ही इस वीडियो को देखें। साथियों, अगर हम बात करें एमपीपीएससी के बारे में तो हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को समझे तो आप जानते हैं जो नया सिलेबस है, न्यू सिलेबस के आधार पर आपकी यहाँ पर प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वे 10 इकाई में विभक्त है या 10 यूनिट में डिवाइड है। उन 10 यूनिट में से आपका जो कह सकते हैं पिछला पेपर हुआ, उस पेपर में अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस कहां से बने हैं और किस प्रकार से बने हैं। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 80 प्लस क्वेश्चन हमारे सही हो या 85 प्लस क्वेश्चन हमारे सही हो। देखिए, 80 प्लस क्वेश्चन या 85 प्लस क्वेश्चन सही होने का मतलब यह नहीं है कि किसी पोर्शन को हमें कंप्लीट करना है, किसी को छोड़ना है। नहीं, इसका मतलब यह है कि किस पोर्शन को हमें काफी अच्छे तरीके से और ज्यादा फोकस देकर करना है। समझ रहे हो आप? यानी किसी सब्जेक्ट को हमें काफी अच्छे तरीके से उसके एक एक बिंदु को समझते हुए तैयारी करना है, एक एक कंसेप्ट को कंप्लीट करना है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जहां पर अगर हम सतह लेवल पर भी पढ़ाई करते हैं तो हम आसानी से वहां के क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो अगर हम 80 प्लस क्वेश्चन की बात करें तो प्रीलिम्स की सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारी 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। सबसे अधिक अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो बनते हैं एमपी जीके से। अगर मुझसे कोई कहे कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो आधार है, जो नींव है, वे क्या है, तो मैं कहूंगा एमपी जीके। पिछले ही पेपर की बात करते हैं तो लगभग 35 से 37 क्वेश्चन आपके केवल एमपी जीके से आए हुए हैं, जिसमें कि एमपी का करंट और एमपी का स्पोर्ट्स भी यहां पर ऐड किया हुआ है। यानी एमपी के करंट और एमपी के स्पोर्ट्स को मिलाकर, साथ ही कंप्लीट एमपी जीके की बात करें तो लगभग 35 से 37 क्वेश्चन आपको केवल एमपी जीके से मिलेंगे। अब आप समझ सकते हैं एमपी के वेटेज को। इसके आगे अगर मैं बात करूं आयोग की, जो आपका आयोग वाला पोर्शन है, यूनिट 10 है, ये आपका नया जुड़ा हुआ है। पॉलिटी की, संविधान की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और सूचना संचार प्रौद्योगिकी की। अगर हम इनका सही से अध्ययन करें, सबसे पहले हम आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अभी छोड़ देते हैं और पिछले कुछ प्रश्न पत्रों की बात करते हैं। मैं यहां पर लगभग 5 से 6 वर्ष पुराने प्रश्न पत्रों की अगर बात करूं तो पॉलिटी यानी कि संविधान, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हिस्ट्री, इन तीन सब्जेक्ट से आपके औसतन प्रत्येक सब्जेक्ट से 8 से 9 क्वेश्चन या कभी कभी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों को मिलाकर आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं आयोग की, आयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। पिछले पेपर को आप देखेंगे तो दोनों को अगर हम औसत करते हैं तो लगभग आपको 18 से 20 क्वेश्चन आयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से मिलेंगे। अगर हम इन क्वेश्चन को ऐड करें तो यहां पर हम ले लेते हैं 35 क्वेश्चन, यहां पर हम ले लेते हैं 30 क्वेश्चन, तो 30 और 30 60 प्लस 5 अगर ऐड करते हैं तो 65 क्वेश्चन। और हम 20 क्वेश्चन ना लेकर 15 क्वेश्चन भी लेते हैं तो 65 और 15 मिलाकर यहां पर हो जाते हैं 80 क्वेश्चन। अब आप समझिए कि आपने अभी तक ना ही तो साइंस पढ़ा है, ना ही इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जाना है, ना ही करंट अफेयर्स पढ़ा है, इसके बावजूद आपके
80 प्लस क्वेश्चन की तैयारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी अगर हम इन सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमपीजी के, अगर हम इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे 80 प्लस क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे और हम प्रीलिम्स में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स को अगर आप सतही लेवल पर भी पढ़ते हैं तो आपके आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप बात करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में भी हम कौन से पोर्शन को ज्यादा काफी अच्छे से करें, तो अगर हम एमपी जीके की बात करें तो एमपी जीके में जो एमपी की ज्योग्राफी है, यानी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के भूगोल की, तो मध्य प्रदेश के भूगोल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहां 35 से 37 क्वेश्चन में आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन केवल आपको एमपी की ज्योग्राफी से मिलेंगे। इसके बाद बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको दो भागों में पढ़ना होता है, एक तो विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल। तो जो भारत का भूगोल वाली ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं। आयोग में आपके जितने भी आयोग हैं, अगर वह सांविधिक आयोग है, वह किसी अधिनियम से बना हुआ है, तो आपको उस अधिनियम की डेट ध्यान रखना है कि वह कब पारित किया गया, उस अधिनियम की किस धारा के तहत उस आयोग का गठन हुआ और इस आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए। यानी अगर किसी भी आयोग की स्थापना या उसका अधिनियम पूछा जाता है कि किस अधिनियम से वह बना हुआ है, तो आपको यहां पर फिक्स पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना इस डेट को हुई, ये क्वेश्चन जरूर बनता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसका भी काफी छोटा सिलेबस है, पॉलिटी तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो साथियों, एक बार और मैं आपको बतला देता हूं कि अगर आप एमपी जी के पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आयोग और सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें एमपी जीके की तीन यूनिट, इन यूनिट में भी सबसे पहले अगर आप एमपी जीके को कवर करते हैं तो आप काफी आसानी से यहां पर प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। इसमें एमपी जीके का कंप्लीट सिलेबस की जो क्लासेस है वे आपकी बहुत जल्द ही शुरू होगी, तो हम एमपी जीके को बहुत जल्द ही कंप्लीट करेंगे। साथ में अगर आप चाहेंगे तो हम आयोग या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वह हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बात करें, उसको हम साथ में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही ध्यान रखिएगा कि आपको एमपी जीके के जो क्वेश्चन है वे एमपी जीके के क्वेश्चन गलत ना हो पाए। धन्यवाद।